अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके हाथों और पांव पर टैनिंग हो चुकी है और सीधी निशानात पड़ चुके हैं जो कि किसी भी तरह से नहीं जा रहे, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ हैंड एंड फुट वाइटनिंग ब्लीच। ये एक ऐसी ब्लीच है जो आपके हाथों और पांव से टैनिंग और निशानात को दूर करके इनको साफ़ कर देगी, क्योंकि इसमें है कॉफ़ी जो कि एक ग्रेट एक्सफोलिएंट है। ये टैनिंग को दूर करती है और इसके साथ है बेकिंग सोडा जो कि डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करता है और स्किन को ग्लो फराहम करता है। इसके साथ इसमें लेमन जूस भी है जो कि डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है और स्किन को ब्राइट करता है। तो ये ब्लीच आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है क्योंकि इसमें बाजारी ब्लीचेस की तरह केमिकल्स नहीं हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 2 चम्मच के करीब कॉफ़ी। एक बेहतरीन स्क्रब है जो डेड स्किन सेल्स को दूर करता है। बहुत सारी रेमेडीज़ में इसको स्क्रब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसमें हमने 1 चम्मच चावल का आटा लिया है। ये भी एक बहुत बेहतरीन स्क्रब है जो वाइटनिंग भी देता है और डेड स्किन सेल्स को फौरन रिमूव करता है। इसमें हमने 3रा इंग्रेडिएंट शामिल किया है लेमन जूस। लेमन जूस भी आपको पता है कि स्किन को शाइन देता है और स्किन पर एक ग्लो लाता है। फिर हमने इसमें शामिल करना है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो ऑयली स्किन का खात्मा करता है और स्किन को एक ग्लो देता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन से भी बचाने में हेल्पफुल होता है, डेड स्किन सेल्स का खात्मा करता है और पोर्स को टाइट भी करता है। इन सब चीज़ों के बाद हमने इसमें शामिल करना है शैम्पू। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने घर में जो भी यूज़ करते हैं वो इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह इन तमाम अज़ा को मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। तो ये हमारी ब्लीच रेडी हो चुकी है। आपने इसे फेस के अलावा अपने हाथों और पाँव पर इस्तेमाल करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको लगा रहना देना है, उसके बाद सादा पानी से धो लेना है। ये ब्लीच आपके हाथों और पाँव के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगी और टैनिंग अगर हो चुकी है या किसी भी किस्म के निशानात पड़ चुके हैं तो उसको भी दूर करेगी। तो आपने इसे फेस के अलावा हाथों और पाँव पर अच्छी तरह अप्लाई करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको लगा रहने देना है और उसके बाद सादा पानी से धो लेना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपने हफ्ते में 2 बार ये ब्लीच जरूर इस्तेमाल करनी है। इसमें किसी किस्म के कोई केमिकल शामिल नहीं है तो ये आपकी स्किन को कोई भी नुकसान पहुँचाए बगैर स्किन को ग्लो देगी और डेड स्किन सेल्स का खात्मा करेगी, जिससे हाथ पांव आपके साफ हो जाएंगे और इंशाल्लाह वाइटनिंग भी आ जाएगी। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।